physical plane. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। आज है मंडे, एक नॉर्मल डे का जैसे होता है, मेरा भी यही डे होने वाला है। आज मॉर्निंग ऑफिस, 12 बजे से ऑफिस रहता है, 12 से 9 बजे तक ऑफिस, उसी के बीच में सारी डाइट और जितना भी मेरा दिन का काम होता है वो सारा मैं इसी टाइम पे करता हूँ। और शाम को वर्कआउट करेंगे, आज का जो भी वर्कआउट होगा वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद जब मेरा वर्कआउट का टाइम होगा। अभी के लिए मैं एंजॉय कर रहा था धोनी के हाथ के बने हुए अप्पे, मूंग दाल के अप्पे थे, टेस्टी बने और हेल्दी भी होते हैं। हेल्दी से याद आया, मेरा वेट अभी 71 kg है और अभी मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, मतलब अराउंड 300 to 2000 कैलोरी मैं पर डे इंटेक कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं अभी कोई डाइट प्लान पे नहीं हूँ, बट जितना भी है कि मैं अपना बस लास्ट में जो मैं दिन में खाता हूँ मैं उसको रात को सारा ट्रैक करता हूँ कि मैं कितना खा रहा हूँ कितना नहीं खा रहा हूँ। और ये पूरा मुझे फील आता है अपने जेल का, हमारी लॉबी पूरी कवर्ड है, तो जब भी यहाँ पे बारिश को देखने के लिए हम बाहर निकलते हैं, मैं और ब्रूनो, हम दोनों को सेम फील होता है कि हम दोनों सेम केज में है ना ब्रूनो, ऐसे फील होता है ना। वो बेचारा बैठ के ऐसे देखता रहता है, मैं भी ऐसे बैठ के बाहर देखता हूँ। पर बारिश हो रही है और अच्छा मौसम है, बहुत गर्मी भी बहुत है, चलते हैं अंदर। आओ ब्रूनो। साढ़े 6 बज रहे हैं अभी, मैं जस्ट अभी ऑफिस कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी 6 घंटे हुए ऑफिस हुए। ऑफिस मेरा होता है 9 बजे कंप्लीट, 9 बजे से पहले ही मैं वर्कआउट करता हूँ, जो मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है ऑफिस के बीच में, उसी 1 घंटे में मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ। 9 बजे के बाद वर्कआउट क्यों नहीं करता हूँ वो मैं आपको वर्कआउट के बाद बताऊंगा, उसका रीज़न भी है कुछ। अभी मैं वर्कआउट करूंगा, अभी मैंने जस्ट लिया है प्री वर्कआउट लेने के 10 मिनट बाद मैं करूंगा अपना वर्कआउट स्टार्ट। ये है मेरा वर्कआउट का रूम जहाँ पे मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। जो हमारा ये फ्लैट है इसमें 2 रूम है और ये जो है ये स्टडी रूम है, इसको मैंने अपने जिम रूम में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे जो मेरा अभी सेटअप है वो मैं आपको बताता हूँ। जितना भी ये वेट है मेरे पास, वेट और ये रॉड्स, ये सब ये आपने मेरे पहली वीडियोस में देखा होगा, ये सब मेरे पास बहुत पहले से ही है। और अभी जो इसमें मैंने कुछ नई चीज ऐड करी है, ये क्या है, डीकैथ के लिया था मैंने पुशअप्स के लिए, ये मेरे पास पहले से ही था, पैडलेट पार्स एंड ये एक्स्ट्रा 2.5 कितना है ये, 2.5 था, 2 हाँ 2 kg ईच। ये एक्स्ट्रा वेट्स हैं, ये मैं पैरों पे रैप करके स्किपिंग करने के काम आता है। एंड दिस इज मैट, म्यूजिक सिस्टम, स्किपिंग रो, एंड दिस इज ये पुल अप बार लगाया था मैंने, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। ये जो एरिया है ये अभी कवर नहीं हुआ है, तो वैसे जैसे सामने है ये कवर हो सकता है, बट ये अभी एरिया कवर नहीं हुआ है, तो ये भी यूज़ हो जाता है। ये जो भी एरिया है सारा मैं स्किल ट्रेनिंग जब मैं करता हूँ तो उसके लिए मैं सारा यूज़ कर लेता हूँ, क्वाइट हेल्पफुल। रूम से बाहर निकल के इतनी गर्मी लगती है। जो मैं अभी वर्कआउट स्प्लिट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कैलिस्थेनिक का ही कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट नवंबर से जिम मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि जब मेरा लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था मैंने जिम का यूज़ बहुत किया था प्लस कैलिस्थेनिक्स, बट उस बॉडी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेरी मसल्स में बाउंडेशन आ रही थी, क्योंकि जब भी आप जिम करते हैं और जब आप हेवी वेट उठाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती आपको बॉडी से। लास्ट नवंबर से मैंने अपना जो रूटीन है वो सारा घर में ही स्टार्ट किया था फॉलो करना, और सारी बॉडी वेट और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूं। अभी फिलहाल जो मेरा वेट है वो है 73 और पर मॉर्निंग में जो मेरा वेट होता है वो अराउंड 71.5 और 72 के बीच में ही रहता है। उस वेट के अकॉर्डिंग ही मैं अपना डाइट सारा मेंटेन करता हूं और जितना मेरा वर्कआउट रूटीन है वो मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ। जुलाई और अगस्त के लिए अभी जो मेरा वर्कआउट स्प्लिट चल रहा है वो है ये, आपको अगर दिख रहा होगा तो, मंडे अपर बॉडी, ट्यूसडे लोअर बॉडी, वेडनेसडे रेस्ट, थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल, सैटरडे लोअर बॉडी एंड संडे रेस्ट। अभी ये स्प्लिट मैं फॉलो करने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट 2 months, यानी कि जुलाई और अगस्त के लिए। पर आज जैसे कि मंडे है तो मैं अपर बॉडी रूटीन करने वाला हूँ। अपर बॉडी रूटीन जो है मेरा वो जो मैंने अभी फिलहाल के लिए जो डिसाइड किया अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वो है मेरा ये, आप देख सकते हैं इसको,
मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अपर बॉडी में 7 एक्सरसाइज करने वाले हैं, नॉर्मल पुशअप्स, वाइड पुशअप्स, ट्राइसेप एक्सटेंशन, बाइक पुशअप्स, चिन अप, पुल अप एंड लास्ट में एब्स। एब्स की एक्सरसाइज मैंने इसमें रखी है जो हॉलो बॉडी रखी है। Get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole that's crowd. We just control now, don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, never ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. वर्कआउट कंप्लीट। वर्कआउट के बाद पानी में एक स्कूप वे प्रोटीन पानी में से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कैलरीज इंटेक नहीं करनी है। मिल्क में थोड़ी कैलरीज होती हैं तो वो जो थोड़ा अमाउंट ऑफ कैलरी है वो मैंने वहाँ से रिप्लेस किया हुआ है तो मैं इसको पानी में लेता हूँ। थोड़ा सा नमक ताकि अंडे टूटे ना बॉयल होते वक्त। थोड़ा सा और चीनी है, मैं क्या सोनी का भी ऑफिस चल रहा है। सोनी की नाइट शिफ्ट होती है तो वो रात को स्टार्ट होता है उसका ऑफिस 9 बजे, तो ये उसकी मॉर्निंग टी है। एनीवेज अभी मैं बना रहा हूँ डिनर। बना तो नहीं रहा हूँ, बन चुका है। घर में मम्मी ने जो बनाया है वही लूंगा मैं क्योंकि अभी काफी टाइम से मतलब कि मैं घर में ही जो बनता है मैं वही कंज्यूम करता हूँ और उसको ही मैं कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंग जो मेरा डाइट मेरी जितनी कैलरीज है मैं उसके अकॉर्डिंग उसको खाता हूँ और अपनी कैलरी मेंटेन रखता हूँ। आज घर में बना है आलू, बैंगन, रोटी, ये वही दाल है। क्या लगाते हैं खाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घी।
उसके बिना तो खाना अधूरा ही होता है। दो चपाती और साथ में जो मैंने 3 eggs बॉईल करे थे उसका मैं होल eggs नहीं लूँगा, उसका मैं तीनों सिर्फ एग whites लेता हूँ, तो वो साथ में, और साथ में जो मेरा डिनर है ये मेरा रात का मील होने वाला है, और इसके बाद मैं लास्ट में रात को सोने से पहले 1 cup दूध लेता हूँ। दैट्स ऑल। टमाटर 2 छोटी ग्रीन चिली और नमक 1 चम्मच, हरा धनिया ये 1/4 हमने लिया है, इसमें बेकिंग सोडा, थोड़ा सा अदरक क्रश किया हुआ और 1 बड़ी प्याज और थोड़ा सा ड्राई करी पत्ता, अगर आप यहाँ पर फ्रेश यूज। जब मैंने बोला 3-2-1 मेरे दिमाग से निकल गया। नहीं, 61 कंप्लीट हो गया। 62 स्टार्ट हो गया। आज ही गया था। आप लोगों को विश करो पापा को। आज। पापा का हैप्पी बर्थडे। वोट के गया था पापा के पास। यार। टाइम इज 12:18, अभी जस्ट पापा को विश करके आया 12 बजे। पापा का आज बर्थडे है 5 जुलाई को, पापा को भी विश करके आया हूँ, और अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपने 10K स्टेप जो मैं डेली रात को सोने से पहले करता हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं सोऊंगा नहीं, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं 9 बजे के बाद वर्कआउट क्यों नहीं करता हूँ, उसका रीज़न यही है क्योंकि 9 बजे के बाद मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मुझे कम से कम 2 वीडियो एडिट करनी पड़ती है डेली, साथ ही साथ मुझे अपने 10K स्टेप पूरे करने पड़ते हैं और एक दो और काम है मेरे मुझे करने पड़ते हैं, इस वजह से मैं 9 बजे के बाद वर्कआउट नहीं करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल 12 से इसी टाइम पे। अभी मैं जाकर ये वाला ब्लॉग भी एडिट करूँगा ताकि आप इस ब्लॉग को कल देख पाएँ, और नेक्स्ट डे जो रूटीन आज था वही रूटीन कल भी रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी।